इंटरनेट के फेमस बाबा का ढाबा की सिर्फ बातें ही बढ़िया हैं या उनके खाने में भी कुछ दम है? अगर हमने किसी कुत्ते से पैसे नहीं मांगे तो आज इसी बात की जानकारी लेने में आया हूँ दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित वर्ल्ड फेमस बाबा का ढाबा का खाना खाने। मरा रहा हूँ, तुम रहोगे? बाबा का ढाबा दर्शकों कोई आम ढाबा नहीं है और इस बात का प्रूफ मैं आपको तो क्या ही दूं, आप सभी ने ही उन्हें इतना वायरल किया है और आप सभी ने ही उन्हें बॉयकॉट। तो बाबा और गौरव वासन जी की प्यार और तकरार की कहानी तो सबने सुन रखी है, पर बाबा का खाने का टेस्ट का पर्दाफाश करने आज तुम्हारा इंडिया का बेस्ट फूड क्रिटिक चला आया है। आज की स्थिति कैसी है? आज भी काम उतना जोरों शोरों से है? इंटरनेट पे जो आप वायरल होते हो तो बाबा की नजरों में वो एक चार दिन की चांदनी है। सही बात बोल रहा हूँ बाबा जी? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हमने आपसे पैसे मांगा? नहीं बाबा जी, लोग कहते हैं बाबा पैसे मांगते हैं वीडियो बनाने के। हाँ, हमने कौन पैसे मांगा भाई? देखो भाई, मुझसे तो कोई पैसे नहीं मांगे बाबा जी ने। तो ये जो अफवाहें आप लोग फैला रहे हो बाबा जी के बारे में, दिस इज वेरी रॉन्ग यार, ये मत करो। और पता है, आज यहाँ आकर मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि 3 साल पहले चंदे से मिले हुए पैसों से बाबा ने अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोला था, पर लोगों की ज्यादा समर्थन ना मिलने के कारण वो ज्यादा चल नहीं पाया। रेस्टोरेंट की तो वो सच है? हमने खोला था। खोला था बेटा, वहाँ पे खर्चा था 1,10,000 रुपए। महीने का? महीने का। और कमाई थी कम, क्यों ना कुछ पार्किंग था ना कुछ नहीं। ठीक है, वो अब बंद कर दिया? हमने बंद कर दिया। बट कुछ भी कहो, गौरव जी के बाबा के पास आने से पहले या आने के बाद आज भी उनका हौसला बरकरार है और आज भी उसी हौसले से बाबा और बाबा की वाइफ इस ढाबे को चला रहे हैं। अब बात करूं यहां के खाने के मेन्यू की, तो बाबा के ढाबा पर आपको दाल रोटी सब्जी और गौरव जी का पसंदीदा मटर पनीर भी मिलता है। क्या एकदम रंगत है यार, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना यार ये मटर पनीर। अभी भी गौरव वासन जी से आपसी आपकी कुछ वार्तालाप होती है, चर्चा होती है? नहीं। लोग आपके लिए आते हैं या आपके खाने के लिए आते हैं? मेरा लोग हमारे लिए आते हैं। ये हुई ना बात। सुपरस्टार तो आप बन गए हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अरे बाबा, अमित जी से कम नहीं है आप इंडिया में, आप पूरी इंडिया जानता है यार आपको। और दाम की अगर बात करें तो साउथ दिल्ली जैसी महंगी जगह होने के बावजूद ये ढाबा बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे चीजें बेचता है। माने यहाँ एक थाली जिसमें 4 रोटी दाल मटर पनीर और चावल आते हैं वो केवल 80 रुपए की थी। बाबा जी, इससे पहले का क्या सफर था, खाना बनाने से पहले क्या करते थे? मैं रेड़ी चलाता था, साग सब्जी की। अच्छा, हाँ जी बाबू जी, कितने की थाली है हमारी? थाली 80 रुपए की है। 80 रुपए की एक थाली? चलिए एक थाली ले लेते हैं, सब्जी दोबारा ले सकता हूँ। बाबा जी, 80 रुपए में क्या क्या दे रहे हो यार। तो चलो अपनी थाली बनवा कर और बाबा जी से थोड़े गप्पे लड़ा कर और आज अपनी इज्जत लुटने से बचवा कर हम बड़े थाली का संभोग करने, मेरा मतलब भोग करने। तू किस बाबा में विश्वास रखता है? इंडिया में तो टाइप्स है भाई बाबा के। ये बाबा, वो बाबा, तेरा फेवरेट बाबा कौन से है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। मैं देखता हूँ लेकिन इन बाबा का भक्त आज बनता हूँ कि नहीं। हाँ जी, जो बनाएंगे ना आपके सामने बनाएंगे, जो जो इंग्रेडिएंट डालेंगे ना आपके सामने। कस्टमर लग रहे हो मेरे को। अब आते जाते रहते हैं कभी कभी, रोज रोज से कभी कभी आते जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, बाबा की छवि जो मीडिया ने दिखाई थी असल में कैसी है? बाबा की छवि तो ठीक है, लोगों को चाहने वाले अच्छा बताते हैं, ठीक है, समझिए। बाकी सारी चीजों के बारे में दुनिया कमेंट कर सकती है, इनके खाने की बुराई कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता सकता हूँ। मटर पनीर इज सुपर डिलीशियस यार। ये क्या है? ये कद्दू। कद्दू, व्हाट काइंड ऑफ सब्जी इज दिस यार? कद्दू हेटर्स है ना, कमेंट्स भर देंगे। कद्दू के भी लवर्स है। पैसा वसूल क्या लोगे यार? सब्जी भी तो दोबारा ले सकते हो आप। सब्जी भी अनलिमिटेड है यार, सब्जी भी अनलिमिटेड है। मेरी नजरों में 10 में से 10 नंबर के साथ बाबा का ढाबा पास होता है, सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया। तो मेरा तो यहाँ आना सफल हो गया। बाकी मेरे को लगता है कि यार लोगों को इनकी हाइप खत्म हो गई, मानता हूँ, लेकिन यार आना चाहिए इनके पास, खाने के लिए आओ आप, डिसअपॉइंट होके नहीं जाओगे। बाबा का इंस्टाग्राम भी है? बाबा का इंस्टाग्राम, वरना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हम चलते हैं अभी। बाय बाय। तो देखिए जनाब, ये थी हमारी राय और इंटरनेट फेमस बाबा का ढाबा। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे कल। सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।